बिहार की राजनीति से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। जेडीयू जिसने आज बैठक की और बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जेडीयू की तरफ से साफ कर दिया गया है कि तेजस्वी यादव आरोपों पर जनता के सामने तथ्यों के साथ जवाब पेश करें, आरोपों पर जनता की अदालत का सामना करें तेजस्वी यादव, तथ्यों के साथ जनता के सामने अपना जवाब रखें तेजस्वी यादव। 4 दिन का वक्त तेजस्वी यादव को दिया गया है। तेजस्वी यादव लालू प्रसाद यादव के बेटे, भ्रष्टाचार के आरोपों में घिरे हुए हैं लालू प्रसाद यादव, लालू प्रसाद यादव, उनकी पत्नी राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव जो बिहार में उप मुख्यमंत्री भी हैं, तीनों पर FIR भी दर्ज है। और ऐसे में जेडीयू खासतौर से नीतीश कुमार के सामने बड़ा सवाल विपक्ष लगातार उठा रहा है कि बर्खास्त क्यों नहीं कर रहे नीतीश कुमार तेजस्वी यादव को उनके पद से। और इसी मसले पर आज जेडीयू बैठक करती है। बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जेडीयू की तरफ से कहा जाता है कि जो आरोप लगे हैं तेजस्वी यादव पर जनता के सामने तथ्यों के साथ उन आरोपों पर जवाब दे। साथ ही जेडीयू की तरफ से यह भी कहा जाता है कि भ्रष्टाचार के मामले पर जेडीयू की कथनी और करनी में किसी तरीके का कोई फर्क नहीं है। तो कुल मिलाकर बिहार की राजनीति में आने वाले 4 दिन बेहद महत्वपूर्ण। ये है ABP News, आपको रखे आगे।